राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आज का दिन संत मत में मानवता मंत्र के लिए बहुत महत्व रखता है। आज के दिन एक सत्पुरुष ने जन्म लिया था, जिसके कारण आज हम यहां उपस्थित हैं। पंडित मस्तराम जो रेलवे में पुलिस के ऑफिसर थे, पुलिस मैन थे, कांस्टेबल थे, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, तो कई साधुओं के वो पास जाते थे। आप पता ही है, जिसके घर में औलाद ना हो तो वो बड़ा दुखता है। वो संतों की सेवा किया करते थे, साधुओं की सेवा किया करते थे और आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे बच्चा नहीं है। तो एक बार एक संत मिले उनको और उनसे प्रार्थना की कि महाराज 12 साल हो गए मेरे कोई बच्चा नहीं है, कृपा करो। तो उन्होंने फरमाया, मस्तराम तेरे घर में एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम फकीर चंद रखना। और मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने शरीर धारण किया और 18 नवंबर 1881 को उन्होंने इस दुनिया में ये चोला लेकर वो आए। सनातन धर्म था, सनातन धर्म को मानने वाले थे, ठाकुरों की पूजा किया करते थे। बचपन से ही घर में ऐसा वातावरण था, पूजा करनी, पाठ करना और धूप जलाना, ठाकुरों को नहलाना, वो चलता रहा 1905 तक चलता रहा। हजूर फरमाया करते थे कि मेरा इतना ज्यादा प्रेम था राम जी से और कृष्ण जी से, वो मेरे आगे आगे चला करते थे जब मैं दफ्तर जाया करता था। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उनका जीवन नहीं, मैं आपको कहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तो कुछ समय के बाद जब वो नौकरी पर थे तो अपने रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, तो रास्ते में भगवान कृष्ण उनके आगे आगे जा रहे हैं, तो परमदयाल जी महाराज जिनका नाम उस वक्त फकीर चंद था, वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जब स्टेशन आ गया तो वहां वो कृष्ण की मूर्ति रुक गई, वहां गोबर पड़ा था, गोबर। तो उस कृष्ण की मूर्ति ने कहा कि ये प्रसाद है, ले खा ले। तो फकीर जी महाराज ने उस कृष्ण को भगवान समझकर वो गोबर खा लिया, प्रसाद के रूप में खा लिया। जब स्टेशन पर गए तो विचार किया कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा, शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि किसी इष्ट ने, किसी राम ने, किसी कृष्ण ने किसी अपने सेवक को कहा होगा कि गोबर खा ला। शक बढ़ गया, मन दुखी हुआ कि ये क्या हुआ, ये कृष्ण नहीं था, कृष्ण होता तो मुझे गोबर खिलाता। बहुत रोए। ये पंजाल गांव है, इसके पास एक शिव बाड़ी है, बहुत बड़ा घना जंगल है, मैंने देखा है। तो छुट्टी आए थे, परेशान थे, रात को चांदनी रोशनी में घर से निकले कि ऐ मालिक मुझे रास्ता बता, मुझे रास्ता बता, मुझे कोई गुरु मिला दे जिससे मुझे पता चले कि असलियत क्या है। तो सतगुरु बाबा फकीर जी ने बताया कि उस चांदनी रात में, उस जंगल में एक सितारे वाला इंसान सफेद कपड़ों में सितारा बजा रहा है और जा रहा है। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा, बच्चा तू इस वक्त क्यों इधर आया है, जंगल में क्या ढूंढ रहा है। कहते महाराज मुझे गुरु नहीं मिलता, मैं गुरु की खोज में हूं। तो उन्होंने कहा, आपके लिए गुरु आया हुआ है, गुरु आया हुआ है, आपको जरूर मिलेगा। चलो बात आई चले गई। उसके बाद हजूर ने बताया कि मैं तो इसी खोज में था कि गुरु मिले। तो एक बार मैं रोते रोते सो गया, मैं सो गया और उस सोने में एक दृश्य पैदा हुआ मेरे अंदर, जिसमें दादा दयाल जी महाराज आए
और उन्होंने पहले मुझे नहलाया कुएं पर ले जाकर और फिर कहा मैं तेरे लिए आया हूँ, मैं लाहौर में हूँ, जे मेरा पता है तू चाहे तो मुझे मिल सकता है। सुबह टूट गया और उसी ड्रेस पर एक फकीर ने उनको हर महीने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया उसी पते पर जो स्वप्न में बताया था। 10 महीने तक कोई जवाब नहीं आया लेकिन इधर भी विश्वास था, आस्था थी और पूर्ण श्रद्धा थी कि मुझे जरूर जवाब आएगा। 10 महीने के बाद फिर एक जवाब आया, क्या लिखा था उसमें, फकीर तेरे सभी खत मुझे मिलते रहे, मैं तेरे विचारों की कदर करता हूँ, मुझे हजूर राय बहादुर साहब जी महाराज के श्री चरणों से असलियत हकीकत और सच्चाई का पता चला है, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो आप मुझे और आकर मिल सकते हो। तो फिर गुरु को शिष्य मिल गया और शिष्य को गुरु मिल गया। उस दादा दयाल जी महाराज ने फकीर जी महाराज को पहचाना, उनके प्यार को देखा, उनकी श्रद्धा को देखा, उनके विश्वास को देखा, उनकी लगन को देखा, उनके इष्ट को देखा और फिर पहचान कर लिख दिया तू तो आया नरदेही में दर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुण के देशा, तीन ताप से जीव दुखी है निबल अबल ज्ञानी, तेरा नाम तेरा काम देगा भाई नाम दान देना। फिर आगे लिख दिया तेरा रूप है अद्भुत अचरज, आहा तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही जग कल्याण, जगत में आया परम दयाल स्नेही। तो दाता दयाल जी महाराज ने मेरे फकीर बाबा जी को परम दयाल जी का नाम दिया, मैं उनको परम दयाल जी महाराज के नाम से याद करता हूँ। और फिर क्या कहा, तू है क्या, तू है मरकज़े आलम ए मर्दे फकीर। दाता दयाल जी महाराज लिखते हैं मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को, तू है क्या, तू है मरकज़े आलम ए मर्दे फकीर, फिर रही है तेरे गिर्द दुनिया हो करके असीर, जो सारी दुनिया तेरे ही गिर्द घूम रही है, कौन है शादा जहां शाद फक्त जाते फकीर, जहां दुनिया में कौन सुखी है, कौन खुश है, कौन खुश है, केवल फकीर खुश है क्योंकि उससे किसी से लेना देना नहीं है, कौन है शादा जहां शाद है दाते फकीर, खुश नहीं हरगिज तबंगर मालो जर वाले अमीर, वो खुश जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी नहीं है। ये मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताई है, मेरा मतलब केवल उनके जीवन को डिस्कस करना नहीं है, मुझे उनके चमत्कार बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूर्य की शिफ्ट नहीं हो सकती है, प्रकाश की शिफ्ट नहीं हो सकती है, शब्द की शिफ्ट नहीं हो सकती है और शिफ्ट के शब्द और सुर शब्द और प्रकाश के आधार की शिफ्ट नहीं हो सकती है। मैं और क्या कहूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो क्या कहना चाहता हूँ कि मैं कैसे उनके दरबार में आया। गुरु मिलता है किसको, जिसको गुरु से मिलने की जल लगन हो, गुरु से मिलने का इश्क हो, वो खुद ही बुला लेता है। तो मुझे जो संस्कार मिला, अपने कहां से मुझे संस्कार मिला, मुझे भगवान का संस्कार नहीं मिला, मैंने किसी बचपन में ना किसी राम को जानता था ना भगवान कृष्ण को, मैं नहीं किसी का, हमारे घर में कोई किसी का पूजा पाठ नहीं होता था, मेरे घर में तो काम था काम, बस्तर के उठना, पशुओं को पट्टे डालना, दूध निकालना, कहीं निकालना और फिर खेतों में अपना काम करना, ये होता था और कुछ नहीं, बात मेरी समझ गए। तो मैं कैसे आया और मुझे क्या मिला, मैं बाबा
बड़ा फकीर जी महाराज के चरणों में कैसे आया और मुझे क्या मिला वो मैं आपको बता दूंगा आज इस पवित्र दिन। तो मेरे का मैं मेरा घर जो था मेरे दादा पिताजी ने जो बनाया वो सड़क के किनारे था। तो गांव में मैं उस वक्त हार्डली 6 साल या 5 साल का होगा। तो एक किसी की मौत हो गई, गांव के किसी आदमी की मौत हो गई जिसको मैंने 2 दिन पहले देखा था। और उसको लेकर जा रहे हैं शमशान घाट, औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं और उसकी अर्थी उठाई हुई है लेकर जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं, लकड़ियाँ लगाई गई उसको रखा गया और आग लगा दी, चल छुट्टी। और मैं देखकर हैरान हो गया कि ये आदमी कल यहाँ था परसों यहाँ था, आज इसको सबने उठाया और खुद ही जला दिया, क्या हो गया ये। तो एक प्रश्न मेरे अंदर पैदा हुआ और मैं किससे पूछा, अपनी माँ से पूछा शाम को कि माँ आज वो आदमी को क्या हो गया, उसको लेकर आए और जला दिया। कहती बेटा वो मर गया। मर गया माँ जी, वो मरकर कहाँ गया, वो भगवान के पास चला गया। 2 नई बातें मुझे मिली बचपन में कि मर गया और कहाँ गया, भगवान के पास गया। अब वो क्यों मना, माँ माँ को पूछ रहा, बच्चा अपनी माँ को पूछ रहा है, माँ वो मना क्यों, बच्चा वो बूढ़ा हो गया था। अच्छा तो माँ जो बूढ़े हो जाते सभी मर जाते हैं, तू भी बूढ़ी हो जाएगी। तो मेरी माँ ने मुझे जुखड़ी पाले कि बच्चा डर ना जाए कि मैं भी मर जाना, मैं कहता था, कहती नहीं बच्चा मैं नहीं मरती, मैं तो तेरी माँ है, मैं कितने मरना है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ये सवाल उठते रहे, शाम हो गई, रोटी खाई, सो गए, सभी सो गए, दिए होते थे दिए बुझा दिया, दिए के बाद जब बुझा वो उसको कहते ना बड़ा कर दो, बुझाते नहीं कहते थे, फूकनी मारनी हाथ ना बुझा दो, ऐसा ये बुजुर्गों की बात होती थी, दीवे में फूकनी मारनी क्योंकि वो ज्योति है हाथ से, चल ऐसे बुझा दिया। और लेट गया, मैं भी लेट गया और कुछ देर के बाद वो सारा सीन मेरे सामने आ गया कि आदमी को उठाया हुआ है, आगे चल रहे हैं, पीछे औरतें रो रही हैं और उसको जला दिया। और मैं डर कर उठ के रोने लग गया, धाम आई, मैं डर गया। मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, बेटा क्या हुआ, मैंने कहा माँ तेरी बेटा क्या दर्द हुई है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, मैं कहा माँ कुछ नहीं, मैनू ये दस भी ये बंदा मरिया क्यों, क्यों मौत आती है, तू तो क्या बुढ़ा हो जाता क्यों आती है। तो माँ ने कहा बच्चा मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैनू इतना ज्ञान नहीं आता, ये ज्ञान गुरु दे सकता। उन्होंने एक गल कही मैंने हले तक नहीं भूलती, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। मैं कहा माए का मतलब कि कहती गुरु ज्ञान दिता तो वो तो बगैर फिर बंदे की गति हो जाती, वह दोबारा जन्म नहीं होता। अच्छा ये शाह बिना पत क्या, कहती बच्चा असी तेरी शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, साढ़े को पैसे नहीं, असी शाह को जावे तो वह सबू उधार दे देगा कर्जा, तो असी ब्याह कर देंगे, साडा इज्जत रह जाएगी, पत रह जाएगी, ठीक है ना। अब वो जो प्रश्न मिला गुरु, गुरु के बगैर गत नहीं है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, उसने मेरे अंदर एक चिंगारी पैदा की। 6 साल की उम्र में मैंने भगवान की पूजा नहीं की, मैंने किसी देवी की पूजा नहीं की, मैं केवल ये सुना था कि भगवान है माँ के पास से, कि बंदा मरने के बाद भगवान के पास चला जाता है। मैं उसको ये कहता रहा कि मुझे गुरु से मिला दे, मुझे गुरु मिला दे, मुझे गुरु मिला दे, सुबह भी शाम भी। और फिर धीरे 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 बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। 1956 में मैं पंडयाल जी महाराज के दरबार में आ गया। और कैसे आया ये भी थोड़ा सा बता देता हूं। फिर उन्होंने मुझे
क्या दिया वो बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ होशियारपुर में आ गया, कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे गांव का कोई सज्जन था, उसकी बहन मेरे गांव में ब्याही हुई थी, वो मेरे माता पिता को जानता था, वो हमारे घर आया तो उसने मुझे देखा, कहता जी काका क्या करता है, कहते जी पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? एसटी कॉलेज में। कैसे जाता है? घर से जाता है, इतनी दूर से 12 किलोमीटर। मेरे पास दुकान है, एसटी कॉलेज के साथ ही है, तो ये मेरे पास रहे, वहाँ 2 कमरे हैं, बिजली की कोई खर्च नहीं, नीचे नलका लगा है, नहा लिया करेगा और रोटी तो उसी पचा देना, मेरे भरा कहते रोटी उसी पचा दिया करेगी। चलो मैं वहाँ आ गया, यहाँ होशियारपुर में आ गया मैं, तो वहाँ जहाँ मैं ऊपर रहता था वहाँ ऐसे सीढ़ियाँ पौड़ियाँ जिनको कहते वो कच्ची थी, इधर में भी लोग रहते थे, इधर भी रहते। तो इतवार को देखता हूँ औरतें और मर्द ऊपर आ रहे हैं और वो राइट लेफ्ट हैंड साइड में अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, यहाँ क्यों लोग आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ कुछ गाने की आवाज़ आई और ये भी मैंने सुना कि वो गुरबाणी गा रहे हैं, कोई अच्छी बाणी गा रहे हैं, तो मैंने भी अपना दरवाज़ा बंद किया, मैं भी चला गया। तो वहाँ हाल था काफ़ी, जिसमें 50 लोग बैठ सके, औरतें भी बैठी थी, मर्द भी बैठे थे। मैं गया तो रास्ते में एक आदमी बैठा हो कहता बेटा ये टोपी से दे ले आना, उस वक्त टोपी लेते थे सिर पर, मैं टोपी ले ली। चलो मैं आगे होकर बैठ गया, एक बुजुर्ग शब्द गा रहा है, तो एक बुजुर्ग ऐसे जैसे मैं ऊँची जगह बैठा हूँ वो कुछ वाणी के ऊपर शब्द बोल रहा है, कह रहा है, उसको कहते हैं ये सत्संग है, मुझे नहीं पता था कि सत्संग होता है। उसने भी वहाँ गुरु का नाम बहुत बार लिया, उस बुजुर्ग ने। सत्संग खत्म हुआ, चल सब चले गए, मैं सीधा उस आदमी के पास गया जो सत्संग दे रहा था। मैं कह मैं बाबा जी नमस्कार, आओ बच्चा। मैं कह जी मेरे कुछ सवाल है, मैं आपसे कर सकता हूँ? उनको कहा, सवाल तो वही था। कहते नहीं बच्चा, हमें सवाल का जवाब देने की आज्ञा नहीं है। मैं कह जी फिर मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? वो गुरु देगा। कहाँ है गुरु? मैं कह जी इसी की तो मैं खोज में हूँ, गुरु जी कहाँ है? कहते हमारे गुरु ब्यास में रहते हैं, ब्यास वाले भी सुन लो ध्यान से, ब्यास में रहते हैं। अच्छा, मैं कह पापा जी ब्यास कहाँ है? कहते तू कभी जलंधर गया? मैं कह नहीं जी, मैं तो जलंधर भी नहीं देखा। अच्छा, तो जलंधर से आगे करतारपुर आता है, फिर ब्यास का स्टेशन आता है और उस स्टेशन से 2 किलोमीटर पर हमारे गुरु महाराज का आश्रम है। मैं कह बहुत अच्छा बेटा, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ, मैं आनंदित हो गया कि लो जी गुरु का पता तो लग गया ना। तो वो दौलतराम जब दूसरे दिन सोमवार था आया, तो मैंने दौलतराम को पूछा, दौलतराम तू कभी ब्यास गया है? वो थोड़ा एक्टिव हो गया, कहता बच्चा क्या बात? मैंने कहा सुना वहाँ गुरु महाराज रहते हैं, मैं तो मिलना है। कहते ले ये आना एतवार भंडारा है, तो तू तैयार हो जाना, मैं आ जाऊँगा, इतों गड्डी बेचना से ब्यास पहुँच जाना, बस तू मिल लेना। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात, आप सवेरे नहाते धोते हैं तैयार दूर होके, वो भी आ गया 7 बजे की गड्डी फड़ी, ब्यास पहुँच गए। उस वक्त ब्यास में इतनी संगत नहीं होती थी, कोई 500,000 लोग होंगे, तो स्टेज लगी हुई है बहुत अच्छी, ऐसे स्टेज लगी है और एक आदमी इधर पगड़ी में बैठा शब्द गा रहा है, बहुत बहुत प्यारी आवाज़ में, जैसे बेटा अशोक ने गाया, तो बहुत अच्छा गा रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो कुछ सुनने को मिला, मैं आगे होकर बैठा बिल्कुल आगे। उसके बाद फिर हजूर बाबा चरण सिंह जी आए, जब वो आते देखे नवे स्टेज पर चले, तो चंदर डाली हुई ऐसे सफेद कपड़े सफेद, मैं कद कद हो गया। मैं
देखा बस मजा आ गया, अज दिल दिया गलगा खोल के करनी है ना नाल मेहनत, मेरा तो कम बन गया, समझ गया ना। तो सत्संग शुरू होया, बहुत ध्यान न सुनिया, उन्होंने भी गुरु की सिफत की अपनी बाणी च, बाजी बाल कह लो ये तो और गले अगे चले गए। सत्संग खत्म हुआ तो ऐसे महाराज जी ऐसे कुर्सी पर बैठ गए दर्शन करने के लिए, आगे फुलियां दे बोरियां ला लिया, तो सेवक खड़े हो गए, आप जाओ दर्शन करो प्रसाद लो आगे चले जाओ। मैं भी लाइन में, मेरा तो गल ही उन्होंने करनी सी, मैं अगे बड़े रुकिया भाई, मैं महाराज ने गल करनी गुरु महाराज ने मैनु बुला देना। उन्हें इस तरह मैंने घूर के देखा पिछे ने घूर के जाते ना गुस्से न, मैं कह नहीं गुरु का प्यारा हो सकता, पिछे वाला कहना काका अगे चल अगे चल, कोई प्यार ही नहीं कोई भावना ही नहीं। मैं थोड़ा परेशान चल की करना सी, मैं हाथ जोड़ के महाराज वाल भी देखा, उन्होंने देखा जरूर पर मैंने क्या कुछ ना, पे तू आ जा बच्चा तू आया आ जा ना। मैं फुलियां पतासे ले, मैं पतासे थोड़े लैन गया सी, मैं फुलियां लैन गया सी, मैं तो गुरु महाराज को मिलन गया सी, दिल टुट गया, दबा दब निकलिया, भुख लगी सवेर के भुखा सगा, उत्थे पूछा भी इतने रोटी भी मिलती है, कहते इधर लंगर, मैं दो अदरा भी नहीं पूछा भी कितने आओ ना, दो फुलकियां खाते पर एक खाता के दो खाते, बस दौड़िया बस फड़ी अपने कमरे जाके, जिन्होंने पंजाबी कहते धा मार के रोया, धा जानते ना, बहुत रोया मैं अकेला कमरे में लेट गया जमीन पर ऐसे लेट गया रोता रहा। दो घंटे के बाद कहीं ढाई घंटे के बाद दौलतराम आया, ओ बच्चा मैं परेशान हो गया, मैं तेनू लभदा परेशान हो गया। मैं क्या दौलतराम मैं तेनू की दसा, मैं तेरे नाल बड़े चाह नाल गया सी, वो मैनू किसी ने मिलाया ही नहीं गुरु ने, इहदा मतलब मैं बहुत बड़ा पापी है, मैं कोई पाप किया इहदा मतलब, जिहड़ा मैनू किसी ने नहीं मिलाया, उन्हें मेरे मोढ़े ते हाथ रखिया। अच्छ वो बच्चा गल सुन, तेरी भुख बहुत वड्डी है, वो शब्द दस रहा तुम मैं दौलत राम ने जिन्हें के ब्यास तू नाम लिया, बच्चा तेरी भुख बहुत वड्डी है, वो इतने एक बाबा दिंदा सत्संग, लै तेन गल दसा, कहिंदा तू बड़ा ही भागशाली है, वो कोई आश्रम नहीं आता कोई डेरा नहीं, वो बजुर्ग ने महापुरश ने और चोटी दे संत ने, तेरे सवालों का जवाब वो देंगे, तू तैयार हो जाई, आंदा जेठा एतवार है, मास्टर मोहन लाल के घर सत्संग देंगे, घरों आते और घर ही वापस चल जाते। मैं क्या दौलतराम तेरा बेड़ा पार हो गए, मैनू उन्होंने बोलना चाहता, क्या ठीक है मैं आ जाऊँगा, पर वो टाइम के बड़े पाबंद है बाबा जी, टाइम दे बहुत पाबंद, 8 बजे सत्संग करते। मैं क्या तू तू कहेंगे तो मैं 7 बजे बैठ जाना जाके उ, तू आ जा बस, वो कहते मैं 7:30 वो गाँव से, वो 7:30 आ गया, कहना चल चलिए मैनू चा बहुत चा, कि चा मैं दस नहीं सकता, मैं मेरे कुछ शब्द नहीं है। वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, तो गलियां थी ऐसे ऐसे फिर ऐसे, और कुदरत का खेल देखो, जब वो आखिरी गली आई जिधर महाराज जी बैठे थे, जब वो आखिरी गली आई मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं दौलतराम तो आगे हो गया मोड़ते, ऐसा आगे आगे हजूर देखा बैठे हैं तख्त पोश के ऊपर, हुक्का हाथ में है और ऐसे हुक्का पी रहे हैं, हजूर ने ऐसे मेरी तरफ देखा, देखते हैं ना, जैसे उन्होंने देखा मेरी तरफ, मेरे शरीर में वो सत्संगियों, सच बताता हूं एक बिजली की लहर फैल गई, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मैनू मस्ती आ गई और मेरे अंदरों आवाज आई कि तू आ गया, बस मैं गया
लोग जाते थे मत्था टेक के, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया। ए बच्चा उथे ही बैठ गया, उन्होंने चरणों के उत्ते सिर रख दिता, बस उठा नहीं, मैं नहीं उठा। हजूर की रहमत आई, मेरे सिर पर हाथ रखा, मैंने ऊपर देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और किताब रखी हुई है सार वचन अपने पास, उसमें निशान लगाया हुआ है और मेरे हाथ में पकड़ा दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़, अब तुम देखो जानो कि वो मेरा इंतजार कर रहे थे। किताब में पहले ही निशान लगाया हुआ है और शब्द क्या था, हजूर राय सतनाम साहब जी महाराज ने अपने अपने सतगुरु स्वामी जी महाराज को लिखा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये शब्द था। मस्ती में गाया, उस वक्त क्या क्या कहा मेरे दादा ने वो तो मैं समझ नहीं सका, अब समझता हूँ कि मुझे सब कुछ दे दिया और मैं उनका हो गया और वो मेरे हो गए। अब 1956 से लेकर आज कौन सा दिन जा रहा है, आज 2022 वही 18 नवंबर है, मुझे क्या दिया मेरे दादा ने, गुरु क्या देता है, गुरु वो देता है जो तुम ना मांगो, बात को पकड़ना, गुरु वो देता है जो तुम ना मांगो, तुम मांगने से जब तुम मांगते हो गुरु की पदवी को बहुत नीचा करते हो। क्या कहा मैंने जिंदगी में अपने सतगुरु बाबा फकीर जी से कुछ भी नहीं मांगा। आपको मैं इस स्टेज पर, ये बाबा फकीर जी की स्टेज है, यहां से कह रहा हूं 18 साल से लेकर आज 2022 जा रहा है और 85 साल में भी पूरे कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं मांगा और उन्होंने वो दिया जो शायद किसी के पास भी नहीं है। अब सुनो कैसे हुआ ये सब कुछ कैसे हुआ, गुरु की वाणी को आप समझते नहीं हैं। मैंने केवल एक सवाल किया जिंदगी में महाराज के साथ और एक आशीर्वाद उन्होंने दिया, वो क्या बात थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं बहुत उनके साथ, मेरा स्नेह था और वो हमेशा ये कहा करते थे कि शरीर गुरु नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं शरीर के साथ बंधा हुआ था, शरीर के साथ प्यार था, हर वक्त उनका ध्यान रहता था, जब आता था तो उनके पास ही बैठा रहता था, मुझे कोई पता नहीं होता था दुनिया क्या हो रहा क्या नहीं, सब कुछ भूल जाता था, बस वही होते थे मेरे पास। एक बार मैं एक प्रश्न किया महाराज जी से, मेरी बात को याद रखना ध्यान से सबके लिए, ये 1969 की बात है, उस वक्त मुझे महाराज के पास जाते हुए 11 साल हो गए थे, कभी सवाल नहीं किया था। एक अर्ज की मैंने पिताजी, वो अकेले मैं भी अकेला, हजूर हुक्का पी रहे हैं, मैं बैठ गया आगे, पूछा बच्चा कैसे हो, आपकी कृपा है सब कुछ ठीक है। मैं कह पिताजी मैं एक बेनती करूं, हाँ बच्चा बोल। मैं कह पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है जिससे मैं दुखी हो जाता, ये ख्याल मुझे क्यों आया, कोई बुरा ख्याल, कोई घटिया ख्याल, किसी के बारे में ख्याल आता है ना, सबको आता है, मुझे जब वो ख्याल आ जाता है तो मुझे एकदम पता लग जाता है ये ख्याल अच्छा नहीं है, ये क्यों आया मुझे, मैं एक सतपुरुष की संगत में हूँ, ये मुझे ख्याल क्यों आया। महाराज ने मेरा हौसला रखने के लिए कहा, बेटा तू तो नौजवान है, मैं बूढ़ा हो गया, ये मुझे भी कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिसको मैं नहीं चाहता। जब उनके मुखारविंद से ये बात मैंने सुनी तो
तो मुझे थोड़ा जैसे कहते हैं ना बच्चा गिर जाता है उसको हौसला ना मिले तो वो और गिर जाता है, तो मैं थोड़ा सा ख्याल कुछ मेरा भी कमज़ोर हो गया कि महाराज जी को भी ख्याल आते हैं तो मैं किस बात की मूल्य हूँ, कुछ भी नहीं। फिर एकदम महाराज जी ने तप बदला, कहते सुनो बच्चा, हुक्का छोड़ दिया, सुनो बच्चा अगर तू कोई पौधा लगाना चाहे तुम भी सुन लो, कोई घर में पौधा लगाते हैं ना सभी, कोई फल का ला देता है, कोई फूल का लगा देता है, गमले रखे हुए घरों में रखे हैं ना, तो तुम क्या करोगे? गमले की बात नहीं की महाराज जी ने मुझे, तुम क्या करोगे? मैंने कहा पिताजी मैं उस पौधे के प्रति खड्डा खोदूंगा, फल वाला होगा तो भी फूल वाला होगा तो भी मैं खड्डा खोदूंगा। अच्छा बच्चा फिर क्या करेगा? मैं कह पिताजी फिर मैं उसमें खाद डालूंगा, जो भी खाद होती है ये गोबर की खाद वो डालूंगा, अच्छी मिट्टी डालूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं पिताजी अच्छा सा पौधा ले आऊँगे लाऊंगा उसमें। अच्छा फिर क्या करेगा? ये हमारी बात हो रही है, वो मुझे प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर क्या करेगा बेटा? मैं कह पिताजी मैं बूटा लगाने के बाद उसको पानी भी दिया करूँगा और उसके चरणों तो उसकी रक्षा भी करूँगा ताकि वो जानवर खा ना जाए और सूख ना जाए। अच्छा बहुत अच्छा, अब बेटा तू बता कि उस पौधे को अगर तू पानी ना दे, उसका ख्याल ना करे, उसकी रक्षा ना करे तो पौधे का क्या होगा? मैं कह पिताजी वो तो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा। अच्छा ऐसे ही बच्चा, ये सवाल उत्तर मेरे को आखिरी, ऐसे ही बच्चा ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। ख्याल आया उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उसको बार बार नहीं सोचना, उसका दोबारा बार विचार नहीं करना, सुबह भी वही विचार, दोपहर को भी वही विचार, शाम को भी वही विचार, दूसरे दिन भी दो तीन दिन अगर उसी विचार को आप पकड़ते रहे, वो ख्याल करते रहे, वो तेरा कर्म बन जाएगा। मैं बात को समझ गया, तब से मैं पानी नहीं देता। पौधे तो बहुत अंदर निकलते हैं, ये सहजल कमल जो है ना अंदर, यहाँ तुम लोग ध्यान करते हो वहां ख्याल ही तो आते हैं, और क्या आता है? उसको पानी नहीं देना, वो क्या हो जाएगा? वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, तुम निर्लेप हो जाओगे, अब निर्मल हो जाओगे, तुम्हारा ख्याल पवित्र हो जाएगा। ये पहला मुझे सबक मिला सतगुरु बाबा की जी महाराज के दरबार से। अब आगे की बात करता हूं, दूसरा जो उन्होंने मुझे आदेश दिया, मैं क्योंकि प्रोफेसर था कॉलेज में, किताबें भी पढ़ते थे, लोगों से बहस भी करते थे, आप मेरी बात समझ गए ना, बात चल रही तो उसमें तो जवाब सवाल होता ही है। तो 1975 में इस छोटे हाल में सत्संग हुआ और संगत चलेगी, प्रसाद लिया चलेगा, मैं नहीं जाता था, मैं तो सबके बाद में जाता था, मुझे पता होता था कि मेरी बस 4 बजे जानी है, मैं नहीं जाता था। तो दो प्रोफेसर आए हुए थे लुधियाना से, यूनिवर्सिटी से, वो महाराज जी के पास बैठ गए। अब जो ये पढ़े लिखे होते हैं ना, ये मन और बुद्धि के लेवल की बात करते हैं, हमारे शरीर में मन है एक बुद्धि है, तो जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं इनमें कैसे क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों ये होना चाहिए, ये ऐसी सोचते बहुत करते हैं। तो उन्होंने रमन महर्षि की बात शुरू कर दी, भाई तुम सत्संग सुनना है तो रमन तो की लेना, तो जरूर ना गल करो। तो बात कर रहे हैं, अब मैं भी पास बैठा हूँ, मैंने उनको कहा कि प्रोफेसर साहब ये ऐसे नहीं, ऐसे है, मैंने ऐसा पढ़ा है, जो आप बात कर रहे हैं ये नहीं है, ये है। तो हुजूर ने, बाबा फकीर जी महाराज ने उनको कुछ नहीं कहा,
मुझे पूछा, बच्चा तुम भी ऐसे किताबें पढ़ लेते हो? मैंने कहा पिताजी कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, तो मैंने भी पढ़ा है थोड़ा। आदेश दिया, मुझे एक हुक्म दिया, वो हुक्म मेरी जिंदगी को चार चांद लगा गया। क्या कहा हुजूर ने, बच्चा आज से तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, तूने क्या पढ़ना है, अपने मन की किताब पढ़ा कर। सुनो क्या कहा बाबा फकीर जी महाराज ने, तू अपने मन की किताब पढ़ा कर। अब मन की किताब को मैंने पढ़ा तो क्या मिला, वो बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। मैंने उस बात को पकड़ लिया, मैं समझ गया कि आज दादा ने जो मुझे बात कही है, मैंने इतनी अंग्रेजी की किताबें लिख दी, महाराज के सत्संग अंग्रेजी में लिख दिए, मुझे कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, खुश होते थे, हाँ बच्चा पढ़ के सुना। मैंने पढ़ के सुना देनी और कहना शक्ति को ये किताब बहुत अच्छी है, इसको छाप लो। 14-15 किताबें छप गई अंग्रेजी में, मुझे कभी महाराज ने यही कहा, बहुत अच्छी लिखी बेटा, छाप लो, छप गई। अब 1975 में ये बात मुझे मालिक ने कही, तो मैंने अब सोच लिया, ओए बंदिया वो तेरा तो कम ही बन गया, हूं तू अपने मन की किताब पढ़ने शुरू कर। मन कहाँ रहता है, मन कहाँ रहता है, मन तुम्हारे शरीर में है ना, लेकिन वो शरीर में रहता नहीं है, वो तो भाग जाता है। सोचो जरा बात, अब यहां बैठे हो सकता है हमने से कई लोग घर में पहुंचे हुए होंगे, कई अपने बिजनेस पर भी होंगे, कई कहीं और भी होंगे। सोचो अपने आप को, क्या तुम्हारा मन इस वक्त आपके पास है? पहली बात हुई कि मन को कहां पढ़ना, अपने अंदर है, ये बाहर नहीं है, इसका भागना बंद हो गया। क्या हुआ इससे, इसका भागना, मन की किताब कहां पानी, अंदर है ना, बाहर तो है नहीं, मानवता मंदिर में वो किताब नहीं है। मेरे मन की किताब कहां, मेरे साथ यहां मैं हूं। तो मन को पकड़ा, कब पकड़ा, कहां से पकड़ा, अपने दुनिया में आने से लेकर पकड़ा। सोचा ए मन तू तब कहां था, बात को सुनना। आप महाराज परमदयाल जी महाराज के प्रकाश दिवस पर आए हो, मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर भी प्रकाश हो जाए। मन को सोचा तू कहां था उस वक्त, जब मैं माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, पानी की थैली में था, तब तू कहां था बता। अब तो मैं मानता हूं कि दुनिया में तू मुझे तंग करता है, दौड़ाता है, ये भी विचार करते हैं, वो भी विचार करते हैं ना, लेकिन तब तू कहां था, माँ के गर्भ में तू था ही नहीं था। आप लोगों को पता किसी को कि तुम्हारा उस वक्त मन तुम्हारे साथ था, तुम्हें पता है तुम्हें कौन खाना खिला रहे हैं, तुम्हें पता है कौन पानी पिला रहा है, तुम तो उल्टे पानी की थैली में हो, तुम पता है सांस तुम कहां से ले रहे हो। तो सोचा तू वहां तो था ही नहीं, वहां तो कोई और ताकत थी ना कि नहीं थी, कोई और ताकत थी जिसने तुम्हें मुझे मां के गर्भ में एक रूप दिया। कैसा रूप दिया, जैसा मां खाती थी, जैसा मां पीती थी, जैसी मां ख्याल करती थी, जिस संगत में मां रहती थी, जो मेरे बारे में वो सोचती थी, जो पॉजिटिव थिंकिंग वो मुझे दे रही थी, संगत की या घर की, वो मेरे ऊपर असर करती रही। और 9 महीने के बाद मुझे कुदरत ने बाहर संसार में भेज दिया। क्या हुआ फिर क्या हुआ, बच्चा उल्टा होता है ना, और उसको डॉक्टर क्या करते हैं, फिर एकदम सीधा करते हैं, ऐसे करते हैं ना। जब ऐसा किया तो सभी बच्चे रोते, मैं भी रोया हूंगा, मुझे तो पता नहीं, रोया हूंगा ना, लेकिन बच्चे रोते हैं और कहते हैं माताएं कि अगर बच्चा ना रोए
समझो वो है नहीं, क्योंकि उसी में तो सब कुछ है। क्यों रोता है? मैंने डॉक्टर से पूछा, मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये बताओ, आप बच्चों को जन्म भी देते हैं आपके हॉस्पिटल में, तो आप लोग सीधा कर लेते हैं, बच्चा क्यों रोता है? कोई तकलीफ होती है उसको? कहते यार कमल सानू कुछ नहीं पता, मैं रोंदा दूंगा, जे ना रोए तो फिर वो है, फिर असि थप्त पाने, ऐसा भी सीधा भी करते, पुट्ठा भी करते, छाती झट मारते, क्यों रोए? तू रोंदा नहीं तो असं कहीं ये डर, वो मर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी एक राय है, अगर आप अच्छा मानो तो मैं बताऊं। कहते हाँ बताओ कमल जी, तुम दसो की हो? मैं क्या उस वक्त, क्योंकि वो उल्टा लटका होता है, उल्टा, तो उसकी जो सारी ताकत होती है यहाँ होती है, वो ताकत कौन सी? सुरत, सुरत जो मेरी सुरत है वो यहाँ होती है, यहाँ। और बता देता हूँ और ज्यादा क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मेरी एक ड्यूटी लगी कॉलेज की तरफ से, मेडिकल कॉलेज अमृतसर, यह है 1968 की बात, 1968 की बात है। तो वहाँ मेरे डॉक्टर बड़े दोस्त थे, मैं उनके पास ठहरा, कॉलेज की टीम के साथ गया था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब रात को चरणजीत उसका नाम था, वो अब है नहीं बेचारा, मर गया। मैंने कहा चरणजीत मैंने कल आपकी डेड हाउस देखना है, तो क्योंकि हम अमूल उम्र थे। कहते कमल यार तू पागल हो गया है, कहता बेहोश हो जाएगा वहाँ तू डेड बॉडीज देखकर, वहाँ तो बड़ी सुगंध होती है। तो मैं कहता तुम लोग कैसे जाते हो, हमने मास्क पहना होता है। मैं कहता तू मास्क मुझे भी दे देना, मैं भी मास्क पहन लूँगा, तो मैं तो एक चीज़ देखनी है, चलो वहाँ मुझे दे गया। कहता जाता नहीं, मैं कहीं मैंने जाता, मेरी सर्च है। तो मैं कहा मुझे वहाँ ले चल जहाँ किसी आदमी के शरीर की खोपड़ी खोली हो, ये चलो वहाँ वहाँ अलग अलग काटते हैं ना आदमी को, कोई हड्डियों वाला देखता है, कोई हाथ वाला देखता है, कोई आंखों वाला देखता है, हर स्पॉट वाले डॉक्टर अंदर जाते हैं, वो अपने अपने स्टडी करते हैं कि ये हमारी आँख कैसे काम करती है, हमारी लिवर कैसे काम करता है, हमारी किडनी कैसे काम करती है, ये सब अपना अपना डॉक्टर कटिंग करके उसके वहाँ स्टडी करते हैं। तो मैं जब उस ले गया वहाँ, तो वहाँ हमारे सिर पर एक ऐसी कौली बनी हुई है, ऐसी कौली जानते ना सीधी, जिन्होंने दाल वाला दाल के खाते, इतनी सी है, छोटी सी है, मेरी इतनी सी कहूँगा जितनी ये है, तो यहाँ है। ले मैं चरणजीत मैं गल लब ले हूँ आ दस पे आ गया, वॉट इज दिस? कहता इसमें भूरे रंग का पानी होता है, इसमें या इसमें लेसदार पानी होता है। और हम डॉक्टरों का ये ख्याल है, हम विचार करते हैं, सभी विश्वास है कि यहाँ हमारी आत्मा रहती है, हमारी आत्मा यहाँ रहती है। कहता इसमें हर वक्त हरकत होती रहती है, हरकत हिलचल। तो आपने छोटा बच्चा देखो ना, चार दिन का, पाँच दिन का, महीने का पैदा, उसके सिर पर हाथ रखो ऐसे यहाँ, तो वहाँ आपको लगेगा ठक 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 होती है, होती है ना माताओं? यहाँ बच्चे के हाथ रखो तो यहाँ ठक ठक होती है, वहाँ हरकत होती है। वो क्या है? वो है तुम, वो तुम हो, वो जो तुम हो, तुम्हारी हस्ती जो है वो उस वक्त झटके से यहाँ आ जाती है और बच्चा एकदम रो जाता है, जैसे कोई चीज पकड़ी हुई है तुम्हारे से, कोई छीन ले बच्चे से, कोई चीज छीन लो तो बच्चा रोएगा ना, तो वो हस्ती यहाँ, तो जब यहाँ आ गई वो घबरा जाता है और रोता है। बात मेरी समझ गए? अब जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मन से, तो फिर कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पहुँचा कि वो जो हस्ती है वहाँ तो मन है ही नहीं। क्या कह रहा हूँ दौरान सुन रहा है? वहाँ तो मन है नहीं, ना माँ के गर्भ में है वो, तो बाहर आया तो नाड़ू कट गया। बाबा फकीर की बात बता रहा हूँ, जिसकी इस लाइन पर मैं चला और मैं कहाँ पहुँचा, वो काट दिया
अब खाना पीना बंद हो गया, सांस भी बंद हो गया, तो जैसे काटा नाक खुल गया, नाक से सांस आना शुरू हो गया। ठीक है, अब रहा दूध कहाँ से मिलना है, नाक को तो दाढ़ी तो कट गई, तो माँ के स्तनों में दूध उसी वक्त उतर आता है, आता है ना, जैसे नाड़ू काटा माँ के दूध आ गया। कई बहनों के तो दूध गिरने लग जाता है, ऐसा भी मैंने देखा है, गिरने लग जाता है बच्चे के लिए, आए बच्चा आ गया तो दूध आ गया। ये कौन कर रहा है जरा तुम सोचो, तुम हाय हाय करते हो दुनिया में, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, ये खेल किसने किया। चलो आगे चलता हूं, तुम लोग खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, दूध भी पीते हो, फल भी खाते हो, ना जाने क्या क्या खाते हो, कब खाते हो, कहाँ खाते हो, जहां मिल गया वही खाते हो। कभी सोचा है तुमने कि तुमने खा तो लिया, अंदर क्या चल रहा है पता आपको? कोई बंदा बताए कि मैं खाने के बाद फिर डांस करता हूँ कि रोटी पच जाए, मैं ये करता हूँ रोटी पच जाए, मैं ये करता हूँ पेशाब मेरा आ जाए, मैं ये करता हूँ मेरी लैट्रिन मेरे टाइम पर आ जाए, वो होता कुछ? तुम कुछ भी नहीं करते, अंदर जो हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो हो रहा है तुम उसमें कुछ भी नहीं करते, तो मेरा मन कहाँ पहुंचा? ओ मेरी गई गुआची मैं मेनू की होया, झगड़ा ही खत्म हो गया। जब मैं अंदर कुछ नहीं कर रहा, जब मां के गर्भ में मैंने कुछ नहीं किया, और बाहर में क्यों ठेका लूं कि मैं ऐ करा मैं ऐ करा मैं ऐ करा, वो जिन सब कुछ पहले किया वो अब भी कर रहा है। मन ही खत्म हो गया, नाचने जाता है, लेकिन मुझे इसके खेल का पता लग गया कि तेरा किया कुछ नहीं होगा, जो किया वो हरि ने को कर रहा है, तुम्हें क्या चिंता। मेरी बात समझ गए? हम सब किसके मारे हुए हैं, हम हमें किसने मारा? किसी ने नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा विरोध करने वाला कौन है? तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारा मन ही दुश्मन बनाता है, तुम्हारा मन ही मित्र बनाता है, तुम्हारा मन ही शहंशाह बन जाता है, और तुम्हारा मन ही गरीब बन जाता है। तुम ही देने वाले हो और तुम ही देने वाले हो, तुम क्यों दुनिया में आकर हाय हाय करते हो? और जब सतगुरु मिल गया फिर क्या कमाना हो? मेरी बात को पकड़ो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, पकड़ो क्या मैं पहुंचा रहा हूँ तुम्हें। ये मन है, तो अब सवाल पैदा हो गया, चलो मेरे ऊपर तो मेरे दादा की बहुत दया है, कृपा है, मैं क्या कहूँ आपको, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। फिर इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मुझे तो दादा ने एक नुस्खा ही बता दिया, मेरा तो काम ही हो गया। तुम्हारे लिए क्या है? मन संत मत में तीन चीजें बहुत जरूरी है, संत मत में तीन चीजें बहुत जरूरी है सत्संगी के लिए, वो है पहले सतगुरु, फिर सतनाम, फिर सत्संग। तीन चीजें बहुत जरूरी है, सत्संग बिन सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग के बगैर विवेक नहीं हो सकता। और मन को जब तक किसी रस्सी के साथ बांधा ना जाए, मन एक ऐसा घोड़ा है, इसको जब तक तुम काठी ना डालो और इसको लगाम ना डालो ये भागेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, तुम तो घोड़ा खुद बने हुए हो, मन तुम्हारे ऊपर सवार है, तुम मन को घोड़ा क्यों नहीं बनाते, तुम उसके सवार हो जाओ। और सवार होने के लिए केवल एक तरीका है, वो है गुरु का दिया हुआ नाम। वो गुरु एक शब्द देता है, बस उसका स्मरण करोगे और गुरु का ध्यान करोगे, तुम्हारा मन ठहर जाएगा, और फिर जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई पावे।
और मेरी तो हालत ये है कि मैं तो मांगता ही नहीं, ना मैं मांगा, क्योंकि मुझे पता ही लग गया जब वो पहले दे रहा था तो अब भी दे रहा है, मुझे तो मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, तुम ध्यान करो तुम्हारे काम होते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सिमरन और ध्यान करने से पहले अपने मन को साफ करो, ईर्ष्या निकालो, बुग्ज निकालो, विरोध निकालो, चुगली निकालो, किसी की बुराई करना छोड़ दो, दुनिया को देखना छोड़ दो। दुनिया नहीं तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म ने जाना है, तो इसलिए दुनिया की ख्याल नहीं करना, केवल उस गुरु के नाम का सिमरन करो और गुरु को जहाँ अपने अंदर समझो। गुरु बाहर नहीं है, गुरु घट में है, तुम्हारे अंदर है। यही हर सत्संग में मैं कहता रहा हूँ और महापुरुषों का प्रमाण देता हूँ कि वो तुम्हारे अपने अंदर है। दाता दयाल जी महाराज, सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि मेरा दाता से शरीर प्रेम बहुत था, मैं जब दिल में आता था दौड़ जाता था। मेरे भी यही हालत थी, जहाँ होता था पढ़ता था, बस जैसे ख्याल आना बस साइकिल छोड़ना और किताबें छोड़ने की साइकिल उठाना, महाराज जी जहाँ हो वहाँ पहुँच जाना, वो टाल पर काम करा करते थे, वहाँ बच्चा क्यों आया, पिताजी दर्शन करने आया, बस और कुछ नहीं, और दर्शन करके वापस चल जाता। अब मेरी बात समझ गए, इश्क में रुका नहीं जाता, जब अंदर लगन होती है ना गुरु से मिलने की, तो कुछ नजर नहीं आता, आदमी सब कुछ छोड़ के चल पड़ता है। तो दादा दयाल महाराज के पास मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ऐसे ही जाया करते थे, उनकी एक मिसाल देता हूँ आपको। एक बार महाराज जी लाहौर गए तो चार दर्जन संतरे ले गए, चार दर्जन संतरे, आजकल तो तोड़ के मिलते हैं, तब तो दर्जन होते थे, और ले गए तो महाराज जी से मिले बड़े प्यार से, और बस मस्ती में संतरे खोलते गए और महाराज जी को पकड़ाते थे खाने को, एक खुला साफ किया फाड़ी पकड़ा दी तो दूर खाते थे। चार दर्जन संतरे दादा दयाल जी को खिला दिए, प्यार प्यार दाता दयाल भी मस्त खाते गए। जब खत्म हो गए तो पूछे, फकीर तू खुश है? जी महाराज। संतरे खत्म हो गए? जी महाराज। उठे वो अपनी कुटिया के पीछे गए, अपनी कुटिया के पीछे गए, वहाँ जाकर क्या कर दी, उंगली डाल कर निकाल दिए, पूछे क्या दादा आप क्या कर रहे हैं? कहते कुछ नहीं, वो फकीर आया था बावला, उसने संतरे खिला दिए, वो कुछ ज़्यादा ही खिला दिए, मुझे पेट इतना चाहता नहीं था, मुझे निकाल दिए। क्या कहा मैंने, बात समझ गए। एक बात और सुना, 1921 में मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी बगदाद से आए, तो दादा दयाल के लिए उस वक्त वो धाम में थे, धाम बनारस में है, उनके लिए सोने का ताज, चांदी का हुक्का, जरीदार बस्तर और एक सिंहासन बनाया, क्योंकि रेलवे का उन्होंने पास मिल जाता सी, सारे लोग जानते सी, बड़े आराम नाल उठे पहुँच गए। सत्संग में गए, दादा ने अंधेरा जी महाराज ने दादा दयाल जी को सिंहासन पर बिठाया, जरीदार कपड़े पहनाए और ताज भी रख दिया सोने पर, हुक्का भी रख दिया पीने के लिए। जब सब कुछ हो गया तो सत्संग शुरू हुआ दादा दयाल जी महाराज का। तो दादा दयाल जी महाराज ने फकीर जी महाराज को क्या कहा, चेत 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 मेरे भाई, रास खुरा गया भूला बरमाना, ये कहा, तू अभी तेरे को अभी समझ नहीं आई, तू अभी चेतवान नहीं हुआ, तू भूला हुआ है कि ये ताज पहनाकर, ये सोने का हार गले में मेरे सिर पर रखकर, चांदी का हुक्का रखकर, कपड़े डालकर तुझे ज्ञान हो जाएगा, ये नहीं कुछ भी होगा, जो कुछ है गुरु ने तुम्हें भेद दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार ही तब वो माया, ये कहा कि संत मत ये कहता है
कि जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल उतरते हैं, विचार आते हैं, वो माया है, उनको छोड़ दे और मन से आगे चला जाए। क्या कहा मैंने? तो तब कहते, फिर मैंने फिर कुछ लिखते जाता, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास, ये भी लिखा। महाराज कहते, मैं समझता था कि मैं बैठता हूँ, नाम का स्मरण करता हूँ, दाता का रूप देखता हूँ, तो मेरे तो गुरु मेरे अंदर है, मैं रूप देख के खुश हो जाता था। मैं ये समझता था कि दाता जो कहते हैं कि गुरु तेरे का तेरे अंदर है, तेरे पास है, तेरे श्वास, तो मैं तो अंदर देखता हूँ। फिर ज्ञान कहाँ से हुआ, असली ज्ञान कहाँ से हुआ? कि जब लोगों ने बताया, सत्संगियों ने बताया कि बाबा जी आप आए, 4 बजे आए, मेरा रोग ठीक कर दिया, मैंने तो आपको चाय पिलाई, आप आए, आपने मुझे एक रोशनी का बच्चा दिया, मेरे बच्चा कोई नहीं था, मेरे लड़का पैदा हुआ, बहुत कहानियाँ सुनाते थे मैं ऐसी। तो फिर मेरी आंख खुली कि ये लोग जो कहते हैं कि मैं आया, मैं तो गया नहीं, तो इसका मतलब जो मेरे अंदर दाता आते थे वो भी नहीं थे, वो भी मेरा मन था, उनका भी मन था, तो मन से मैं आगे चला गया। तो आगे क्या है, दुनिया किस चीज से बनेगी? तुम्हारी दुनिया तुम्हारी दो चीजों ने बनानी, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मन और तुम्हारी अकल, उसको जितना इस्तेमाल कर सकते करो, दुनिया में तरक्की करो, पढ़ो। क्या मुझे नहीं पढ़ाया मेरे दादा ने? मैं तो 12वीं में पढ़ता था जब उनके चरणों में आया। बढ़ो बेटा, बढ़ो, तरक्की करो, ब्रह्म बनो। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे, क्या कहा मैंने? इसलिए नौजवानों के लिए शिक्षा के, वो उनके लिए कोई नाम जपना नहीं चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं है, नहीं। जो लड़का या लड़की पढ़ते हैं और पूजा पाठ बहुत करते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते, वो कमज़ोर हैं, उनको कोई, मैंने कोई पूजा नहीं की किसी की भी, और मैं बुक्स को अपना ही सब कुछ समझता था, क्योंकि दादा ने ऐसा इशारा दिया कि पहले जीवन बनाओ। बात समझ गए मेरी? पेट न पहिया रोटियां सबे गल्ला खोटियां, कोई नहीं पसंद करता अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए पहले काम इतना करो, इतना करो कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ, तुम्हें किसी के आगे ऐसे हाथ ना करना पड़े, ऐसे हाथ करो, ऐसा। बात समझ गए? मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। मेरा नंबर 2 का बेटा मकान बना रहा है ना, तो जो सहन है कोठियाली इसको कहते बेटा, वो संजय। तो बड़े बेटे को मैंने कहा, भाई बेटा बात सुन, तू भी कुछ दे पैसे, तो बेटा तो समझी है, बात समझ गए ना? तो उसने, मैंने कहा भाई 50,000 तू दे दे, चल मैं बाकी दे दूंगा, बाकी वो पा लेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ा बेटा सोना बन जाऊंगा। तो उन्होंने मैं 30,000 रुपया देता, दूजे तीजे दिन। फिर एक दिन मैं फिर कहा, मैंने कहा बेटा बात सुन, वो चला था अपने काम पर, मैं कहा बेटा बात सुन, मैंने जिंदगी में कभी किसी से ऐसे नहीं किया कि मुझे पैसे दो, बात समझ गया, और ऐसे किया है, मैं नहीं अब तुम्हें कहूँगा कि तुम पैसे दे, वाइफ उड़ाई से मैं नहीं मानूंगा, मैंने किसी से बेटे से नहीं मांगता, मुझे देने वाला मेरे सिर पर बैठा है, बड़ी पेंशन देता है मुझे, आप समझ गए, कोई कमी नहीं। इसलिए तुम क्या करो, सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। मेरे दादा बाबा फकीर जी फरमाते थे, औरतों के लिए शिक्षा और है, बूढ़ों के लिए शिक्षा और है, नौजवानों के लिए शिक्षा और है। औरतें तुम, मैं माताओं को कहता हूँ, माताओं तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, और तुम ही सरस्वती हो, तुम बच्चों को जैसा चाहो तुम बना सकती हो, तुम्हारे से उसने संस्कार ले लिए बच्चे ने। अगर तुम उसको गंदा कहती हो, उसको बुरा कहती हो, बच्चा पेट में है तो बुरे बुरे ख्याल रखते,
इसका कैरियर खराब हो जाएगा। इसलिए नेक औलाद पैदा करो और घरों में शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, प्यार रखो। मुझे बड़े टेलीफोन आते हैं, बहुत दुखी हैं औरतें बेचारी। आदमी क्या करते हैं, शराब पीते हैं और फिर घरों में झगड़ा करते हैं। वो आदमी नहीं है जो रोटी और दाल सब्जी के बगैर कोई और चीज़ खाता है, मैं उसको आदमी नहीं कहता हूँ, वो राक्षस है, वो इंसान है ही नहीं। वो बच्चों के लिए भी दुखदाई होगा, पत्नी के लिए तो दुखदाई होगा। इसलिए ज़िंदगी में निज़्म बना लो कि तुम्हारे लिए कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो है जो ज़मीन से पैदा हुई है, ज़मीन से पैदा हुई चीज़ को खाओ, जो ज़मीन से पैदा नहीं हुई उसको मत खाओ। पानी ज़मीन से पैदा हुआ है, जितना मर्जी पियो कुछ नहीं होगा। दाल सब्जी जहाँ से पैदा हुई है जितनी मर्जी खाओ कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए माताओं कोई बुरा कह जाए, सास अगर कड़वी है तो उसको कड़वी रहने दो, तुम मीठी हो जाओ, सास को प्यौंद लग जाना अपने आप ही। उन्हें एक दिन हार ही जाना है, तो बोलती नहीं है, मैं ही अपने आप को कड़ तंग करती। मैं देखा ऐसा, एक मेरे पास बच्चे आए, वो कहती महाराज जी मेरी सास से था। मैं क्या मेरी गल सुनो पुत्र जी, तो मेरा कहना मनेगी? हाँ मनूंगी। मैं क्या सवेरे उठ के ना सास ने जाके प्यारी मत्था टेकी देखा, और क्या कर माँ चाह बनावा कि लस्सी पीनी है कि दाल बनावा, तू दो हफ्ते करके देख और तेरी सस ने तेरे सिर पर हाथ रख देना और लोगों को कहना मेरे सस वर्गी तो मेरी नूह वर्गी तो कोई नूह ही नहीं है। हाँ सवेरे उठ के मेरे पैर छूनी है, मेरे चाह पिलाती है, मेरी रोटी करती, रात को मेरी लत्ता भी दब दिंदी है। तुहाडा एवें ना हो जाना, करना की है, नफरत को दूर करो। फरीदा फरीद बाबा कहते फरीदा बुरे राह भला कर, बुरे राह भला कर, गुस्सा जितना हटाए, गुस्सा जितना हटाए, देही रोग न लगी पल्ले सब कुछ पाए। जेड़ा आदमी गुस्सा करता ना हर गल से, पानी का गिलास इन्ना ही पानी मर गया, होर पानी है नहीं सी, ले अपने आप को पहले जला लिया। गुस्सा करना छोड़ो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं आएगी। गुस्सा बीमारी पैदा करता है, चिंता भी बीमारी पैदा करती है। फ्री साहब ने कह दिया बड़ा बढ़िया, फिक्र जगत को खा गया। बात को पकड़ो, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। पीर कौन होता है, जिसकी पूजा होती है। तो फिक्र के कारण ही जाते हो ना यात्रा पर, तो फिक्र के कारण ही ज्योतिषी पर जाते हो, ज्योतिषी को पास जाते हो, फिक्र के कारण ही कोई मन्नत मान लेते हो, साडा आ दूर हो जाए तो असं आ करांगे, देवी जी करांगे, जा आ करते हो कि नहीं। फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर, जिसने खाया फिक्र को ताका नाम की, वो कोई फिक्र नहीं करता है। किस लिए चिंता करते हो, जब गुरु मिला फिर तुम्हें चिंता किस बात की। छोटा बच्चा होता है उसका माँ बाप होते हैं ना, वो चिंता करता है। तो बच्चे बन जाओ, मेरे नशे से माँ बाप के लिए हर वेले माँ फड़ी है, ऐसा माँ फड़ी है। अब आखिरी शब्द आपको एक सुना देता हूँ। दुनिया अध्यात्म की तरफ भागी हुई है, गुरुओं के पास भागी हुई है। ना जाने मेरे देश में कितने गुरु हैं, कितने संत हैं, कितने आचार्य हैं, सब अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, बड़े बड़े डेरे हैं बहुत, पता नहीं अदा, तुम मिल नहीं सकते हो अपने गुरु को। मेरे पास टेलीफोन आते हैं, कितने साल हो गए बाबा जी, 27 साल हो गए नाम डाल लिया, अब ये नहीं होता, ये नहीं होता। मैं के गुरु से मिले वहाँ कहाँ टाइम मिलता है जी। वो मैंने कहा उस डॉक्टर के पास जाना है कि वह जो थोड़ा दवा थोड़े ना गल नहीं करता, तुम दवाई खा ली हूँ दसो तो अभी जाके डॉक्टर साहब थोड़ी दवाई का की असर होया। जाते नहीं हो डॉक्टर के पास, गुरु एक डॉक्टर है, डॉक्टर किस चीज़ का है, वो शरीर का है, गुरु मन का डॉक्टर है।
तुम्हारे धन का वो चीर फाड़ कर देते हैं। मेरे दादा फरमाया करते थे ब्रह्मदेव जी महाराज, डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करते हैं, मैं मन का ऑपरेशन कर देता हूँ। और मेरे मन का ऑपरेशन ऐसा किया कि मन ही ले लिया। क्या कहा मैंने, तो सुनाओ कबीर साहब का शब्द सुनाओ। दादा इस शब्द को बहुत प्यार करते थे, जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे झंडा लगा है मानवता का, जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे तुम रूहानियत को नहीं पा सकते। इंसान पहले फिर रूहानियत, इंसान नहीं बने तो रूहानियत नहीं मिलेगी। हम इंसान तो है ही नहीं। देखो किसी को पूछकर, तू कौन है भाई, जा कोई अपने धर्म का नाम लूगा, जा अपनी पार्टी का नाम लूगा, जा किसी होर चीज़ का नाम लूगा, अपने आप को दसदा ही नहीं पे मैं कौन है। तुम्हें पता ही नहीं कि तू कौन है। तुम माल के कुल की अंश हो, तुम माल के कुल की अंश हो। कैसे, जैसे सूर्य की किरण यहाँ रोशनी कर रही है, ऐसे ही वो मालिक की अंश तुम हो और तुम उसमें रहते हो, वो तुम में नहीं रहता। ये भी कह देता हूं, भगवान यहां नहीं रहता, भगवान की अंश यहां रहती है। भगवान एक सागर है, वो परम तत्व है, हम उसमें ऐसे रहते हैं जैसे जल में मछली रहती है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे शरीर में। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं केवल कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ। अब मैं भूला रे भाई, क्या बनने के लिए, क्या भूला मैं, क्यों भूला मैं, किस बात पर भूला और मैं फिर कहाँ पहुँचा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेरे दादा ने बताया कि ये है इंसान के बनने की, ये है इंसान बनने की तालीम। ये करो तीन बातें, तुम इंसान बन जाओगे। जैसे इंसान बने तुम, भगवान तुम्हारे अंदर झलक दे रहा है, वो तुम्हारे अंदर आवाज़ दे रहा है, मगर तुम उसकी आवाज़ को सुनते नहीं हो, तुम मन की आवाज़ ज़्यादा सुनते हो, इसलिए तुम झगड़े करते हो, रोते हो चला। अरे ये दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना है। हजूर फरमाया करते थे चार दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसको खुशी से गुजारो, किसी की मदद में गुजारो, किसी की दुखी की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी गिरे हुए को उठाओ, तब तो तुम इंसान हो। लेकिन अगर तुम परवाह ही नहीं करते दूसरों की और तुम अपना ही सुख देखते हो, जो अपना सुख देखता है वो दूसरों का सुख देखकर खुशी नहीं होता। दुनिया में मैंने देखा है, तुम दुखी हो तो दुनिया सुखी, तुम दुखी हो दुनिया खुश होती है, और तुम अगर सुखी हो तो दुनिया वैसे भी दुखी होती है। ये बड़ा खुश रहता भी, तुम दोनों पासे गए, इसलिए दुनिया को लात मारो, दुनिया तुम्हारी है। क्या कहा मैंने, क्या निकाला शब्द आपने, पढ़ो जरा, बात कर लूँ फिर, समय बहुत हो जाना, रोटी का भी टाइम हो गया। कि मैं भूला हुआ था, क्यों भूले हुए थे वो उन्होंने नहीं लिखा। हो सकता है वो भी पूजा पाठ में लगे रहते होंगे बचपन में, हो सकता है, तभी तो कहा। फिर गुरु ने बताया कि गलत है, ये तो कोई फायदा नहीं। फिर क्या कहा आगे, ये सारी लाइनें पढ़ दी। अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई, गुरु ने मुझे बताया कुछ भेद दिया तो मैंने सारे कीड़े कर्म करने छोड़ दिए, तीर्थ का नहाना छोड़ दिया, तिल का लगाना छोड़ दिया, ये सारे कम मैं छोड़ देते, वे कुछ नहीं नच रखे। फिर सवेरे उठ के नहा जाओ गंगा जी, फिर आके मूर्ति में साफ करो, ये करो वो करो, फिर घंटी बजाओ, मैं सारा कुछ छोड़ देता। तीर्थ का नहाना भी छोड़ा और आचार भी सारे छोड़ देते। की फिर किया के आचार,
सगाई दुनिया भाई सयानी मैं एक पौराना अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगु जुगत कहते सारी दुनिया बड़ी सियानिया पर मैं ही दीवाना बन गया मैं दुनिया ने कम ही छड़ दिता ना पूजा ना पाठ ना क्यों छ क्यों छड़िया आगे पढ़ो ना मैं जानू से मैं बुराना हो गया तो मैं तो हूँ देवा दी देवक देवी देवता की पूजा करनी छड़ दी मैं घंटी बजाने भी छड़ दी बजाते ना घंटी वो भी छोड़ दी और क्या किया ना मैं जानू से वो बंदगी ना मैं घंटे बजाई ना मैं मूरत धरी सिखा देने ना मैं धूप बढ़ाई ना तो मैं मूर्ति रखी है हूँ सिंहासन ते ना मैं धूफ चला ना फूल चला मैं ये भी कम छोड़ दिता होर की किया इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि मूर्त अगर बोले मूँह तो मैं वह स्नान भी कराऊंगा तो उन्होंने मैं सिंघासन से भी बिठाऊंगा फिर मैं करूँगा कि दौड़ के जाके छठेरा नंजर बना दा मूर्तियाँ वो को ले आऊँगा एक बढ़िया जी मूर्ति लिया के रखूँगा पर मैं रखू काले वास्ते क्योंकि तो बोलती नहीं मूर्ति मैं आपको हंसी की बात सुनाता हूँ मैं किसी कॉलेज में प्रिंसिपल था तो मुझे एक निवेदन आया कि सर आप आइएगा हमारे गांव में मूर्ति स्थापना है तो उसमें प्राण डाला जाएगा प्राण भी प्राण को खास कल कही है प्राण प्रतिष्ठा उसको प्राण भी पौधे से पा लेने मैं क्या अच्छा मैं तो जरूर आऊँगा भाई मैं तो देखना चाहना भी जो प्राण पेंदे तो कितना पेंदे मैं चला गया तो मैं जाके मेरे लिए कुर्सी रखी मैं बैठ गया मैं कहा महात्मा जी कद आने हैं कहते बस आने वाले ही है तो बड़ी जी गड्डी आई तो महात्मा जी मोहरे बैठे चंगे मेरे पर क्या तो दो निकल आ वो तो वह उन्ने चार थले नहीं उतरे जब तक लाइन लगी नहीं फुल आन जब मेरे गले से पान तो मैं गड्डी तो बाहर आना मैं नहीं दाना बाहर मैं खड़ा रहा फिर आ गए लोग फुल पाच पाए फिर वो आए लाइन च फुल पेंदे गए वो आते गए फुल मैं क्या चल भी बंदे तमाशा देख ला आगे गए तो मूर्ति बनाई उन्होंने कोई पता नहीं देवी थी क्या थी मैं दूर खड़ा देखता रहा उन्होंने उत्थे फुल फल चढ़ाए फिर दिया जलाया फिर पता नहीं आया करके खड़े रहे तो मैं देखता रहा कि मूर्ति हूँ भी बोलूँ हूँ भी सह लो हूँ भी लो चलो जी प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो चले गए पूड़ियों खान लग गया बैठ गया मैं पूछया उन्होंने जन मैंने सद्या सी मैं क्यों लिया ये मूर्ति तो बोली नहीं ये प्राण तो पे ही नहीं इधर आवे ना वो देख जीव चलिया जाता जमीन पर वो प्राण है वह तुरया जाता प्राण है ना वो तुरया जाता एड्डी वड्डी मूर्ति है तो बोली नहीं तुम कहदी प्राण प्रतिष्ठा की वो कभी मिट्टी की मूर्ति च भी कभी प्राण पे मेरे रब्बा इन्नी दुनिया क्या हो गया मेरे देश को लड़ रहे हैं झगड़े कर रहे हैं आपस में वो नामदेव जी का महाराज नामदेव जी का शब्द मुझे अभी मुझे याद नहीं आ रहा पूरा उन्होंने एक शब्द लिखा कि ये दुनिया कितनी मूर्ख तो नहीं कही उन्होंने मैं मूर्ख कहता कहते सांप मिट्टी का बना लेते हैं मिट्टी का सांप बना लिया किसी ने चांदी का भी बनाया हुआ होगा तो उसको रखा हुआ है उसकी पूजा करते हैं उसको दूध बनाते हैं है ना उसकी पूजा भी करते हैं कोई एकदम रखा हुआ है तो जब कभी कोई जिंदा सांप बाहर निकल आए मूर्ति की तो पूजा अगर कोई जिंदा सांप कहीं नजर आ जाए तो फिर क्या करते हैं लाठी लेकर उसके सिर पर मारते हैं मूर्ति की पूजा जिंदे की सिर मारती ये हमारा हाल है कोई मूर्ति बना ली उसकी तो पूजा इंसान के साथ नफरत इंसान ने इंसान मूर्ति खुद बनाई खुद उसको नफरत से देखता है खुद झगड़े करता है कत्लो गार्द करता है ना जाने क्या क्या करता है और मूर्ति के आगे जाकर
मूर्ति मूर्ति के आगे जाकर मत्था टेकता है। जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया उसके साथ नफरत, उसके साथ झगड़ा, उसके साथ क्या कहते हैं कोर्ट में जाते हैं लड़ने के लिए, और मूर्ति के आगे तुम लोग नाक रगड़ते हो। अरे माँ बाप की पूजा कर लो, वो भगवान है और कोई नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भाई भाई में प्रेम से रहो। क्या ले जाना है यहाँ से, क्या कह रहा हूँ मैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अगर मूर्ति बोले तो मैं भी 5 पैसे देकर ले आऊंगा, आगे करो। क्या कहते हैं डांस करने बनाते हैं अपने आप को बड़े संत बनाते हैं, दाढ़ियाँ रख लेते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख। मुझे भी एक टेलीफोन आया था एक बड़े बड़े संत का, बड़े डेरे के महात्मा का, उसके पीए का सर आया, कमल जी महाराज जी कहते हैं आप दाढ़ी रख लो। मैं कहा अच्छा दाढ़ी रखने से क्या होगा, कहते जी फिर संत लगता है आदमी। मैं कहा मैं संत तो हूँ ही नहीं, मैं तो संगत का सेवक हूँ, मैं कब संत कहता हूँ कि मैं संत हूँ, ना मैं संत हूँ ना महात्मा हूँ ना गुरु हूँ, और मैं तो बाबे फकीर संगत का सेवक हाँ भाई। बात समझ गए, जिन्हें संत बनना वो पवन दाढ़ियाँ रख लैन, जूठा झूठ रख लैन, लंबे लंबे चौके बना, मैं तो इदा रहना भाई जिदा मैंने बाबे रखा। क्या कहा मैंने, ये क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। मैंने कहा मेरे दादे मेरे दादा गुरु दे दाढ़ी नहीं सी, वो मेरे वर्गे से मेरे मेरे गुरु भाई बाबा भानु दयाल जी महाराज के दादी नहीं थी भाई। दादा दयाल ने फकीर जी महाराज को कहा था फकीर दाढ़ी रखो, उन्होंने उनका हुक्म माना। मेरी बात समझ गए, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है कुछ भी नहीं। मुँह ढक लिया दाढ़ी रख ली, मुँह ढक हो गया चल जी, और इतों लाल कर लिया थोड़ा जहा, या फिर कोई दवाई खा ली गोली खा ली मुँह लाल हो जाता हो जाता ना, मैंने पता मैं देखे इदा मेरे लोग। वो क्या रखा इन चीज़ों में, क्यों धोखा है इंसान, तू दुनिया को धोखा नहीं दे रहा, तू अपने आप को धोखा दे रहा है। चाहे कोई संत है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई महात्मा है, मैं कहता हूँ तुम खुद खाई में गिर रहे हो और बाकियों को क्यों डाल रहे हो। क्यों ऐसा हमारे देश में निरर्थ हो रहा है, क्या कहूँ मैं आपको। अब कबीर साहब ने क्या कह दिया कि ना तो धोती पहनने से मिलेगा ना कोई डांस करने से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। पांचों मारने की जरूरत नहीं है, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, कैसे मिलेगा। आगे लिखते हैं मैं पढ़ाता हूँ बताता हूँ आपको कैसे मिलेगा। अब सुनो क्या कहते हैं, कैसे मिलेगा वो, इसको ध्यान से सुन लो। ये है इंसानियत, दया राख धर्म को पाले जग से रही उदासी। दया राख धर्म क्या है, धर्म तिलक लगाना नहीं है, ऐसे करना नहीं है, घंटी बजाना नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, धर्म नहीं है, ये एक परंपरा है, एक परंपरा चली हुई है। इसका कोई मतलब होगा मुझे नहीं पता, मैं खंडन नहीं करता। दया राख धर्म क्या है, ए इंसान तेरा धर्म क्या है, तू बेटा है तो
तो माता पिता के प्रति तेरी ड्यूटी है वो पूरी कर। तेरी शादी हो गई है तो पत्नी के प्रति तेरे पति के रूप में ड्यूटी है। तेरी शादी हो गई है बेटी, तेरा पत्नी पति के प्रति तेरी ड्यूटी बनती है कि उसकी सेवा कर। तू बाप बन गया है तो बच्चों के प्रति तेरी ड्यूटी बनती है वो पूरी कर। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी संगत दे, उनका कैरियर बनाने की कोशिश कर, ये तेरा धर्म है। और फिर समाज के प्रति तेरा धर्म है, समाज में प्रेम पैदा कर जहाँ तक हो सकता है, नफरत पैदा ना कर। देश के प्रति तेरी भावना है, इस देश इस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ प्रार्थना कर मालिक से, मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर, मेरा मोहल्ला सुखी रहे, मेरा चारों तरफ के लोग सुखी रहे, मेरे शहर के लोग सुखी रहे, मेरा देश सुखी रहे, ये मेरा पहला धर्म है। क्या कहा मैंने? तुम मूर्ति पूजा करोगे चाहे कहाँ जो मर्जी करो, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर तुम्हारा मन ये बात नहीं करता तुम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। अब कहते हैं हमेशा कहते हैं दुनिया से उदास रह जरा। क्यों उदास रह? तेरे अंदर एक ख्याल पैदा हो जाए कि मैं यहाँ कितने दिन के लिए आया हूँ, क्या मैं यहाँ सदा रहूँगा, क्या मैं हमेशा रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता थे तो मैं बेटा था, बात को सुनना, जब तक मेरे माता पिता थे तो मैं बेटा था ना, माँ 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 को माँ कहता था, पिता को पिता, वो चले गए, बेटा मेरा बेटापन भी चला गया। क्या कहा मैंने? मैं विवाहित था, मेरी पत्नी थी, जब वो चली गई तो मैं हस्बैंड था, पत्नी गई मेरा हस्बैंडपन भी चला गया। चला गया नहीं, कौन कहता है मैं किसका हस्बैंड हूँ, कहता कोई? मैं पति, मेरा पतिपन भी खत्म हो गया। तो क्या कह रहा हूँ मैं? इस जगह से, इस तरीके से दुनिया को देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, तुम रहोगे बाकी कुछ नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए कहा कबीर साहब ने, दया राख धर्म को पहले। वो धर्म तुम्हारे घर में है, बाहर नहीं। बाहर एक परंपरा है, हर धर्म के कुछ नियम हैं, हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। मैं कहता वो तुम्हें जीने का राज बताता है, वो दुनिया में रहने का राज बताता है, वो प्रेम करना सिखाता है, सिखाता है या नहीं सिखाता ये तो वो जाने, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ। मेरी बात समझ गए? वो धर्म भी समाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए जो धर्म वो ये है, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। दूसरी लाइन क्या कहा? अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। सबको अपने जैसा समझो, जीव जंतु सब में उसकी अंश है। अगर तुम्हें कोई गाली देता है तुम्हें दुख होगा, जब तुम किसी को गाली दोगे तो क्या उसको दुख नहीं होगा? तुम अपशब्द बोलोगे, तुम्हें कोई अपशब्द बोले तो तुम्हें दुख नहीं होगा? होगा तो ऐसा ही दूसरे को भी तो दुख होगा ना। तो अपने आप दूसरे की जगह डाल दो। और मैं एक बात और कह देता हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी बुरा करे उसको करने दो, तुम ना निकालिए, तुम ना उसके बदले में उसका बदला लो, तुम ना उसको कुछ कहो, तुम उस पर छोड़ दो, तुम नज़ारा खुद देखोगे। बात को पकड़ा? तुम्हारा कोई बुरा करता है, तुम्हें कोई बुरा कहता है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तुम उसका बदला मत लो कि किसने ये कहा मैं भी ये करूंगा, तुम ना करो, उसको करने दो, बुरे ना भला कर। क्या कहा मैंने? बुरे ना भला कर, गुस्सा मन ना हटा है, उदे पर भी गुस्सा नहीं करना, उदे ते तर सिखाओ, ओ ए बंदे नू ज्ञान नहीं है, इन्हें कोई गुरु नहीं मिलिया, इनू करन दियो, मैनू तो मिलिया ना, मैनू नहीं चंगा लगता कि मैं इनू बुरा कहा या मैं इहदा बुरा सोचा। बात समझ गए? या कहा अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। फिर वो मिलेगा अविनाशी, वो मालिक तुम्हें तब मिलेगा जब ये दो गले पहले कर ली। फिर क्या कहा आगे? सहे शब्द बाद को त्यागे, किसी ने बुरा कह दिया सहन कर दिया,
सहज शब्द बाद को त्यागे, फिर वाद विवाद भी नहीं करता। आ जा भाई, मैं देखता तू मैनू की कहना। ये भी गलत है। जो कोई बुरा कहे उसको कहने दो, गाली देता। तुम मानवता मंदिर में आए हो, ये मानवता के असूल आपको बता रहा हूँ। यही मानवता का झंडा यहाँ मानवता मंदिर में लहरा रहा है। मेरी बात समझ गए आप? इसलिए कहा, क्या कहा, आखिरी लाइन पढ़ो। गर्व भी नहीं करना, गुमान भी नहीं करता। गर्व गुमान करना, मैंने दसो कोई है चीज थोड़े हाथ च? कुछ है? अपने आप को पूछो, थोड़े कुछ हाथ च है? थोड़े शरीर च कोई कंट्रोल है? थोड़ी जमान ते अख च बैठा कौन देख रहा? थोड़े च कभी सोचा कि मेरी अख नीच कौन है? कभी कभी सोचा तुम बैठ के कान च कि चीज सुनती है? वो कौन है संत सुनने वाला? कभी सोचा जबान के उत्ते जड़ी चीजा तुम खाते हो रस कौन देखता? खट्टा मिठा कड़वा कुसैला कौन देखता? तुम्हें पता है कौन है वह? तुम्हें तो अपने खाने का स्वाद है, कोई उन्हें लगो तो सही। कौन है वो जो तुम्हारे अंदर बैठा बोल रहा है? कौन है जो तुम्हारे अंदर बैठा देख रहा है? कौन है वो जो तुम्हारे अंदर बैठा सुन रहा है? कौन है जो जिसने अपने आप को मैं बना लिया, मैं मेरा ये मेरा वो कौन है तेरा इस जहाँ में? बता दो मुझे। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, और मैं क्या कहूँ, प्रकाश भी तुम्हारा नहीं है, और शब्द भी तुम्हारा, तुम सबसे ऊँचे हो। तुम हो तो शब्द है, तुम हो तो प्रकाश है, तुम हो तो मन है, तुम हो तो बुद्धि है, तुम हो तो शरीर है। जब ये गए तो दस मिनट दो घंटे घर से नहीं रखना, चक के ले चलो जल्दी। बस वो देर नहीं लगन देने। रात नहीं कटता कोई, कटता दौरान रात नहीं कटेगा तुम्हारी कोई। उसको देखो, आप मानवता मंदिर में आए हो। सह शब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्व गुमाना, सतना ताही को मिलिए कहे कबीर सुना। कबीर साहब कहते हैं, मैंने इस बात का प्रमाण ले लिया है कि सतनाम वो मालिक, वो राधा स्वामी, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो खुदा, वो राम, वो कृष्ण तब मिलेगा जब तुम ये, और वो असली जो राम कृष्ण है, जो आए और चले गए वो नहीं, जो आए जो चले गए वो नहीं। क्योंकि मैंने सुना है गुरु नानक साहब की वाणी को, मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। गुरबाणी कहती उसकी, उसको क्यों पूछते हो जो पैदा होता है जो मर जाता है? उसकी पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सोए सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। तुम उसको याद करो जो हर जगह विराजमान है, और हम उसमें ऐसे रहते हैं जैसे जल में मछली रहती है। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ आप लोगों के श्री चरणों में कह दिया है। मैं आखिर में इस पवित्र दिन आप सबके लिए शुभकामना रखता हूँ। आप जिस जिस ख्याल को लेकर आए हो वो आपका ख्याल मेरा सदगुरु पूरा करे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। लेकिन आपकी मनोकामना अच्छी होनी चाहिए, वो पूरी हो जाएगी। क्या कहा मैंने? वो पूरी होगी क्योंकि ऐसे दरबार में आप रहे हैं। आपको मानसिक शरीर तंदुरुस्ती दे, आपके मन को शांति दे, तुम्हारे घरों में किसी चीज की कमी न रहे, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाए, यही मेरी शुभकामना आज के पवित्र दिन। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा।